करते हैं। देखिए अभी तक मैंने एल्जेब्रिक लिमिट आपको बता दिया है, अब मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट स्टार्ट करना है। तो लिखिए नेक्स्ट हेडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। अब देखिए इस आर्टिकल को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको सैंडविच थ्योरम बताऊंगा। लिखिए नेक्स्ट आर्टिकल सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम क्या होता है ध्यान दीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट को पढ़ने से पहले हम सैंडविच थ्योरम पढ़ते हैं। अब सैंडविच थ्योरम क्या है देखिए, मान लीजिए तीन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स लेस देन एन इक्वल जी ऑफ एक्स लेस देन एन इक्वल एच एक्स। बेटा ये तीन फंक्शन है एफ जी एच। इफ एफ जी एच आर थ्री फंक्शन सच दैट, देखिए इफ एफ जी एच आर थ्री फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स लेस देन एन इक्वल जी ऑफ एक्स लेस देन एन इक्वल एच एक्स। मान लीजिए तीन फंक्शन जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब देखिए सैंडविच थ्योरम क्या है कि यदि एफ ऑफ एक्स का लिमिट टेंडिंग टू ए पर, एफ ऑफ एक्स का लिमिट टेंडिंग टू ए पर मान लीजिए एल है, एंड टेंडिंग टू ए पर, टेंडिंग टू ए पर एच एक्स का लिमिट मान लीजिए एल है, तो 100% टेंडिंग टू ए पर जी एक्स का लिमिट भी एल होगा। ये है सैंडविच थ्योरम, ये इसका स्टेटमेंट है। सुनिए ये कब हम यूज करते हैं। मान लीजिए आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं लिमिट का और आप इजीली उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, जैसे एल्जेब्रिक लिमिट है आप फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं, आपको बहुत दिक्कत आ रही है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे तीन फंक्शन सोचेंगे। मतलब जैसे मान लीजिए मुझे इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है, इस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करनी है टेंडिंग टू ए पर, तो हम क्या करेंगे इसके आसपास वाले फंक्शन ले लेंगे, इसके आसपास वाले फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करके आ जाएंगे। भाई इसकी लिमिट हमसे इजीली सॉल्व नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे टेंडिंग टू ए पर इसकी लिमिट देखेंगे। यदि इसकी लिमिट भी एल है और इसकी लिमिट भी एल है तो 100% जी एक्स की लिमिट भी एल होगी। यह है सैंडविच थ्योरम। देखिए मैं आपको एक ग्राफ से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए तीन फंक्शन इस तरीके से हैं, जैसे एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है और एक ऐसा है। देखो सैंडविच बन गया, दिख रहा है सैंडविच, अरे बोलो यार, ये सैंडविच थ्योरम, ये एफ एक्स, ये एच एक्स और ये जी एक्स। बेटा ये तीन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, और ये पॉइंट हो गया कॉमन 0, 1। और मान लीजिए ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, फंक्शन है 1 - x² / 4, और एच ऑफ एक्स मान लीजिए 1 + x² / 2। अब आप मुझे बताइए टेंडिंग टू जीरो पर इसकी वैल्यू क्या है, टेंडिंग टू जीरो पर इसकी वैल्यू है 1, ओके, और टेंडिंग टू जीरो पर इसकी वैल्यू क्या है 1, तो 100% जी एक्स की लिमिट टेंडिंग टू जीरो पर क्या होगी 1। ये है सैंडविच थ्योरम, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो जी ऑफ एक्स 1, क्योंकि टेंडिंग टू जीरो पर ये भी 1 है बेटा और टेंडिंग टू जीरो पर ये भी 1 है, तो इसके बीच में जितने भी फंक्शन होंगे लाइक जी एक्स एक फंक्शन है, इसका भी लिमिट कैलकुलेट करना है, जो कि हम इजीली इसकी लिमिट सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने सैंडविच थ्योरम लगा दिया। ये है सैंडविच थ्योरम का स्टेटमेंट, इसको आप नोट कर लें। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के लिए एक छोटा सा डेरिवेशन करा रहा हूं, ध्यान देना सभी, बेटा इस डेरिवेशन पर ध्यान दो सभी, इधर देखें सभी। देखिए बेटा मैंने एक सर्कल कंसिडर कर लिया, यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल, सेंटर मैंने ले लिया ऑरिजिन और रेडियस मैंने ले लिया 1। बेटा सर्कल कंसिडर किया मैंने जिसका सेंटर ऑरिजिन है और रेडियस 1 है। अब मेरे साथ चलना, मैंने इस सर्कल पर एक एक्स एंगल पर एक लाइन ड्रॉ की, मैंने एक्स एंगल पर विथ एक्स एक्सिस, ये एक्स यहां पर एंगल है बेटा, इफ एक्स इज स्मॉल, एक्स इज स्मॉल एंगल, ध्यान रखना स्मॉल एंगल है, बहुत छोटा है इन रेडियन,
एक्स यहां पर स्मॉल एंगल है और रेडियन में चल रहे हैं हम। अब ध्यान देना बेटा, एक छोटी सी डायरेक्शन है, बस ध्यान से देखते आइए। मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पर जब मैंने ओ से मिलाया इसको, अब इसको एक्सटेंड कर देता हूं और इस पॉइंट पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं। मैंने इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की, कैपिटल ए पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ की और इसको ले लेते हैं टी। ओके, ओटी को मैंने एक्सटेंड किया तो वो किससे मिला बेटा, ए पर टेंजेंट पर। ये क्या है बेटा, टेंजेंट एट ए, और ओटी को मैंने एक्सटेंड किया तो मान लीजिए ये पॉइंट है पी। तो बेटा एपी यहां पर क्या है, एपी यहां पर क्या है सर, वर्टेक्स ए पर टेंजेंट मैंने ड्रॉ की और ओटी को मैंने एक्सटेंड किया और उसको पी पर मिला दिया। अब आप ध्यान दीजिए, ये जो एंगल है वो एक्स है और एक्स यहां पर बहुत छोटा है बेटा और रेडियन में चल रहे हैं। ओके, अब ध्यान से देखना, आप मुझे बताइए यदि ये टेंजेंट है इस सर्कल की तो ये क्या होगा, इसका नॉर्मल होगा, क्योंकि 100% सर्कल का जो नॉर्मल होता है पासिंग थ्रू सेंटर होता है, सर्कल का नॉर्मल पासिंग थ्रू सेंटर। ये इसका नॉर्मल है और ये इसका टेंजेंट है और ओटी को मैंने एक्सटेंड किया एट पी। ओटी को मैंने ए पर जब टेंजेंट बनाई थी उस पर मिला दिया। अब आप ध्यान दीजिए सभी, ट्राइंगल ट्राइंगल ओ ए पी, आप ध्यान से देखिए, ट्राइंगल ओ ए पी, ट्राइंगल ओ ए पी और आर्क आर्क ओ टी ए, आर्क ओ टी ए और ट्राइंगल। अब ध्यान से देखना, एक ट्राइंगल बात कर रहा हूं मैं ओ पी ए की और एक आर्क की बात कर रहा हूं। आर्क कहां है, ये वाला आर्क ओ टी ए। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने टी से एक परपेंडिकुलर कराया नॉर्मल पर, टी से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया नॉर्मल पर और टी को मैंने ए से मिला दिया, टी को मैंने ए से मिला दिया। अब आप मुझे बताइए, ट्राइंगल ओ टी ए आपको दिख रहा है, ट्राइंगल ओ टी ए, ट्राइंगल ओ टी ए, आर्क ओ टी ए और ट्राइंगल ओ ए पी, इन तीनों को आप बहुत ध्यान से देखिए, सबसे ज्यादा एरिया किसका है, सबसे ज्यादा एरिया है ट्राइंगल ओ ए पी का, आप देखिए, उससे छोटा किसका है एरिया है, आर्क ओ टी ए। ओ टी ए मतलब क्या, आर्क है ये, एरिया ऑफ सेक्टर, और सबसे छोटा किसका है, ट्राइंगल ओ टी ए। तो इसको मैं ऑर्डर में लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए पी ग्रेटर देन आर्क ओ टी ए ग्रेटर देन ट्राइंगल ओ टी ए। बेटा ये सब क्या है, एरिया। आप ध्यान से देखिए, क्या ये इनइक्वालिटी क्लियर है सभी को, ये इनइक्वालिटी मैंने क्रिएट कर दी, सबसे ज्यादा एरिया किसका होगा, ओ पी ए का, उससे छोटा किसका होगा, ओ टी ए का, उससे छोटा एरिया किसका होगा, ट्राइंगल ओ टी ए का। ओके, अब आप देखिए, ट्राइंगल ओ ए पी की बात करते हैं, ट्राइंगल ओ ए पी। अच्छा बताइए मुझे, ये एक्स एंगल है और बेस यहां पर वन है, तो ये एल्टीट्यूड कितना होगा बेटा, एल्टीट्यूड ये क्या है, एल्टीट्यूड और ये क्या है बेस और ये क्या है हाइपोटेन्यूस, और बेस गिवन है तो एल्टीट्यूड 100% tan x होगा। जरा सोचो, tan क्या होता है, इस एंगल का tan क्या होगा, इस एंगल का tan होगा AP परपेंडिकुलर बाय बेस। बेटा tan ऑफ x क्या होगा, tan ऑफ x होगा AP अपॉन OA, OA क्या है बेटा 1, तो AP 100% क्या हो गया, tan x। बेटा AP tan x है। ओके, अब आप देखिए, यदि ये x है तो ये tan x है बेटा, क्योंकि ये 1 है, तो आप बताइए इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल ओ ए पी हाफ, बेस क्या है बेटा, बेस वन है और एल्टीट्यूड क्या है टेन एक्स, हाफ बेस एल्टीट्यूड, ये आ गया इस ट्रायंगल का एरिया। आप बताइए आर्क ओ टी ए, आर्क ओ टी ए क्या होगा बेटा, आर्क ओ टी ए बेटा एरिया ऑफ सेक्टर, मैं इधर अलग से बना देता हूं, ओ टी ए ये है ओ टी ए, ओ टी ए और ये एंगल x है और ओ ए यहां पर 1 है। बेटा ये ओ ए क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये x है,
और इसका आर्क बताना है, इसका एरिया ऑफ सेक्टर, इसका एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर हाफ हाफ आर स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा एक्स, एरिया ऑफ सेक्टर 10th क्लास हाफ आर स्क्वायर थीटा, ओके। अब आप देखिए नेक्स्ट है ट्रायंगल ओटीए, ट्रायंगल ओटीए, ट्रायंगल ओटीए में परपेंडिकुलर क्या है बेटा, लाइक ये एम है तो परपेंडिकुलर क्या है टीएम। अब आप मुझे बताइए ये एक्स है, ये एंगल है और ये परपेंडिकुलर है जो कि अननोन है और ये हाइपोटेनियस है, तो यदि ये एक्स है और हाइपोटेनियस वन है तो बेटा ये क्या होगा टीएम क्या होगा साइन एक्स, जरा सोचो टीएम साइन एक्स होगा क्योंकि साइन क्या होता है, साइन एक्स क्या होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस वन, तो बेटा टीएम की वैल्यू क्या गई, टीएम क्या है बेटा साइन एक्स। अब आप बताइए मुझे ट्राइंगल ओटीए का एरिया क्या होगा, हाफ हाफ, बेस क्या है बेटा, बेस क्या है हाफ, बेस क्या है यहां पर वन, बेस यहां पर वन है और हाइट कितनी है बेटा, हाइट साइन एक्स है, हाइट साइन एक्स है। बेटा मैंने आप सभी के एरिया बता दिया आपको, ट्राइंगल ओएपी, आर्क ओटीए और ट्राइंगल ओटीए। अब आप मुझे बताइए हाफ 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 कैंसिल, तो फाइनली क्या आ गया हमारे पास टेन एक्स ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन साइन एक्स, ओके टेन एक्स ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन साइन एक्स। अब ध्यान दीजिए बेटा टेन एक्स को लिख रहा हूं मैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन साइन एक्स। अब एक काम करते हैं साइन एक्स से इस इनइक्वालिटी को डिवाइड कर देते हैं, तो वन बाय कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स ग्रेटर देन वन। अब आप मुझे बताइए टेंडिंग टू जीरो पर ये क्या है, टेंडिंग टू जीरो पर ये वन है, जरा सोचो कॉस जीरो वन, वन बाय वन और ये भी वन है, तो इसमें सैंडविच थ्योरम लगा देते हैं तो इसका लिमिट क्या होगा टेंडिंग टू जीरो पर वन। बेटा ये हमने प्रूफ कर दिया कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स अपॉन साइन एक्स वन, बेटा ये है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, देख लो एक्स अपॉन साइन एक्स वन, ये मैंने प्रूफ कर दिया। यहां पर मैंने सैंडविच अप्लाई कर दिया टेंडिंग टू जीरो पर ये क्या है वन, टेंडिंग टू जीरो पर ये क्या है वन, तो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स भी क्या होगा बेटा बाय सैंडविच टेंडिंग टू जीरो पर वन। अब आप मुझे बताइए टेंडिंग टू जीरो पर ये वन है या वन से थोड़ा सा ज्यादा है, वन से थोड़ा सा ज्यादा है, ये किसी एक केस पर, पर्टिकुलर एक केस पर ये इक्वल भी हो सकते हैं, तो यहां मैं इक्वल लगा देता हूं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स अपॉन साइन एक्स वन या वन से थोड़ा ज्यादा, तो 1.0000001 बेटा ये राइट वन होगा। और यदि मैं साइन एक्स अपॉन एक्स की बात करूं टेंडिंग टू जीरो पर साइन एक्स अपॉन एक्स, टेंडिंग टू जीरो पर साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होगा, टेंडिंग टू जीरो पर साइन एक्स अपॉन एक्स वन, वन होगा या वन लेफ्ट होगा, वन लेफ्ट 0.9999 इस तरीके से, इसका रेशियो बोलो वन से कम हो जाएगा यदि वन से थोड़ा ज्यादा है। बेटा हम तो इजीली बोल देते हैं कि वन है जबकि वन नहीं होता, वन से थोड़ा सा ज्यादा होता है और ये वन से थोड़ा सा कम होता है, ये है साइन एक्स अपॉन एक्स टेंडिंग टू जीरो पर वन। अब देखिए इसी तरीके से यदि हम एक्स से डिवाइड करते हैं, एक्स से डिवाइड करेंगे तो टेन एक्स अपॉन एक्स और यहां एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये वन हो जाएगा, तो ये भी वन हो जाएगा, तो टेन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट भी क्या होगी वन, टेंडिंग टू जीरो पर, टेंडिंग टू जीरो पर टेन एक्स अपॉन एक्स, टेंडिंग टू जीरो पर टेन एक्स अपॉन एक्स वन। अब बताइए मुझे वन या 1.001, वन से थोड़ा सा ज्यादा, ये वन राइट होगा 1.0001 और ये थोड़ा वन से कम होगा, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। सिर्फ दो फार्मूले साइन एक्स अपॉन एक्स टेन एक्स अपॉन एक्स, नोट कर लें इसको। देखिए बेटा अभी अभी मैंने बताया आपको लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, बेटा साइन एक्स अपॉन एक्स टेंडिंग टू जीरो पर वन लेफ्ट होता है, ध्यान रखना वन लेफ्ट मतलब 0.9999 इस तरीके से, ओके। अब आप मुझे बताइए यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ब्रैकेट ऑफ साइन एक्स, बेटा ब्रैकेट ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स, ब्रैकेट ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स टेंडिंग टू जीरो पर, तो टेंडिंग टू जीरो पर ये वन होगा या जीरो होगा, ये जीरो होगा क्योंकि वन लेफ्ट है। बेटा वन लेफ्ट का ब्रैकेट क्या होगा, वन लेफ्ट का ब्रैकेट जीरो, क्लियर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करें। साइन एक्स अपॉन एक्स वन नहीं होता है, वन से थोड़ा सा कम होता है और वन से थोड़ा सा कम का ब्रैकेट क्या होगा बेटा जीरो,
इसी तरीके से टेंडिंग टू जीरो पर, टेंडिंग टू जीरो पर बताइए ब्रैकेट ऑफ टेन एक्स अपॉन एक्स, ब्रैकेट ऑफ टेन एक्स अपॉन एक्स। अब टेन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, वन से थोड़ा सा ज्यादा, तो वन से ज्यादा का ब्रैकेट क्या होगा, वन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेन एक्स अपॉन एक्स टेंडिंग टू जीरो पर, टेंडिंग टू जीरो पर, टेन एक्स अपॉन एक्स टेंडिंग टू जीरो पर राइट होता है बेटा, वन राइट, 1.00001। टेन एक्स अपॉन एक्स टेंडिंग टू जीरो पर वन राइट, और वन राइट का ब्रैकेट होगा बेटा वन, वन लेफ्ट का ब्रैकेट होगा जीरो। तो देखो बेटा ब्रैकेट लगाने से आंसर चेंज। और यदि आप साइन एक्स अपॉन एक्स को परफेक्ट वन बोलते हो, यदि आप साइन एक्स अपॉन एक्स को परफेक्ट वन बोलते हो तो ये गलत बोलते हो, क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स टेंडिंग टू जीरो पर वन नहीं होता, वन से थोड़ा सा कम होता है, और वन से कम का ब्रैकेट क्या होगा बेटा जीरो। तो ब्रैकेट को हम वही देते हैं जो वो ले रहा है, ब्रैकेट वन नहीं लेगा, वन से थोड़ा सा कम लेगा। और यदि हम ऑरली देखें तो 0.999 अल्टीमेटली क्या है, वन है। यदि हम इजी वे में बोले तो ये वन है, बट ब्रैकेट लगाए तो वन लेफ्ट देंगे, वन लेफ्ट का ब्रैकेट जीरो और वन राइट का ब्रैकेट वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करें, ठीक है। अब आप देखिए एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं बेटा, ध्यान देना, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के लिए ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स टेंडिंग टू जीरो पर साइन एक्स अपॉन एक्स वन होता है। आप देखना बेटा, अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, क्या अप्रोच रखते हैं, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान देना सभी। इधर देखो, एक्स 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 बेटा, तीनों एक्स है, तीनों एक्स है और तीनों टेंडिंग टू जीरो है। ध्यान देना बेटा, तीनों एक्स है और तीनों टेंडिंग टू जीरो है, तभी इसकी वैल्यू क्या होगी, वन। फिर से सुनो, एक्स 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 बेटा, तीनों एक्स होना चाहिए, तीनों एक जैसे होना चाहिए, तीनों एक जैसे होना चाहिए और टेंडिंग टू जीरो जीरो होना चाहिए, तीनों टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए और तीनों एक जैसे होना चाहिए, तभी इसकी वैल्यू क्या होगी, वन। अब देखिए इस पर क्वेश्चन, इसकी एप्लीकेशन, इसको अप्लाई कैसे करते हैं। इधर देखिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, मैं आपसे बोलूं बेटा साइन फाइव एक्स, साइन फाइव एक्स अपॉन एक्स कैलकुलेट करो बेटा। टेंडिंग टू जीरो पर साइन फाइव एक्स अपॉन एक्स क्या होगा, देखिए। अब आप मुझे बताइए, यदि एक्स जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है तो फाइव एक्स भी जीरो की ओर अप्रोच करेगा, जरा सोचो। एक्स टेंडिंग टू जीरो या फाइव एक्स टेंडिंग टू जीरो, मत एक ही फाइव एक्स, फाइव एक्स तो नीचे भी क्या होना चाहिए, फाइव एक्स। तो हम क्या करेंगे, फाइव का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब आप मुझे बताइए ये क्या हो गया, ये क्या है, वन, वन इंटू फाइव, फाइव। तो बेटा क्वेश्चन को करने का अप्रोच ही होता है, देखिए क्वेश्चन को आप इसी तरीके से करा करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों एक जैसे होना चाहिए, तीनों टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए, तभी इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, वन। अब मेरा क्वेश्चन ये था साइन फाइव एक्स अपॉन एक्स। अब आप मुझे बताइए, इफ एक्स टेंडिंग टू जीरो या फाइव एक्स टेंडिंग टू जीरो, बात एक ही है, एक्स जीरो की ओर जा रहा है तो फाइव एक्स भी जीरो की ओर जाएगा। अब फाइव एक्स, फाइव एक्स तो नीचे क्या होना चाहिए, फाइव एक्स, जबकि एक्स ऑलरेडी है, तो मैंने फाइव का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और जैसे ही फाइव को मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो फट से वो क्या बन गया, वन, वन इंटू फाइव, फाइव। मतलब हमारा टारगेट क्या है, हम कर क्या रहे हैं, हम अल्टीमेटली फॉर्मूले में कन्वर्ट। देखो जो भी कमी है वो पूरी करो, बस ये ध्यान रखना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, मैं आपसे बोलूं चलो बेटा साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स बताओ। अब देखना बेटा इस क्वेश्चन में फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स टेंडिंग टू जीरो पर, ध्यान दो सभी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, बेटा क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूं, साइन ए एक्स डॉट वन अपॉन साइन बी एक्स, क्या मैं इस तरीके से अरेंज कर सकता हूं। अब आप मुझे बताइए, एक्स जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है, एक्स जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है, तो बेटा ए एक्स किसकी ओर अप्रोच करेगा, जीरो की ओर। एक्स टेंडिंग टू जीरो या ए एक्स टेंडिंग टू जीरो, बात एक ही है, ए एक्स, ए एक्स तो नीचे भी क्या होना चाहिए बेटा, ए एक्स, तभी वो वन होगा। तो ए एक्स मैंने मन से लगाया तो ऊपर भी मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ए एक्स। बेटा ये तो हो गया क्या, वन। देखो एक्स टेंडिंग टू जीरो या ए एक्स टेंडिंग टू जीरो, बात एक ही है, ए एक्स, ए एक्स, ए एक्स, दैट इज वन। अब बचाइए, अब आप मुझे बताइए एक्स टेंडिंग टू जीरो पर, फंडामेंटली हम इसको ऐसा ले सकते हैं, फंडामेंटली हम लिमिट को सेपरेट कर सकते हैं, यदि हम ऐसा लिखते हैं ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स। अब आप मुझे बताइए एक्स टेंडिंग टू जीरो या बी एक्स टेंडिंग टू जीरो, बात एक ही है, एक्स यदि जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है तो बी एक्स भी जीरो की ओर अप्रोच करेगा। अब आप मुझे बताइए बी एक्स यहां है, बी एक्स यहां है, तो ऊपर भी क्या होना चाहिए, बी एक्स, बट एक्स ऑलरेडी है। अच्छा, ए को हम फंडामेंटली, ए को हम फंडामेंटली बाहर कर सकते हैं और बी का ऊपर नीचे
मल्टीप्लाई। अब आप मुझे बताइए ये क्या है, ये वन है, वन इंटू ए बाय बी, आंसर ए बाय बी। तो बेटा फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट करना है ये देखिए आप, हमारी कोशिश ये रहेगी कि फॉर्मूला बन जाए, और उसके लिए मैंने आपको क्या सिखाया, तीनों एक जैसे होना चाहिए, तीनों एक जैसे होना चाहिए और तीनों टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए, तभी इसकी वैल्यू वन। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो भी कमी है वो पूरी करो। यदि मान लो आपको लग रहा है ax की कमी है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ax का मल्टीप्लाई डिवाइड इस तरीके से। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो वन माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर। बेटा ये क्वेश्चन भी मान के चलो आप, और इसका मैं डेरिवेशन करा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसकी वैल्यू होती है बेटा 1/2। चलो प्रूफ करते हैं, ध्यान देना बेटा सभी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, अधिकतर क्वेश्चन में। देखिए कैसे, सबसे पहले तो मैं लिखूंगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, बेटा वन माइनस कॉस को हम क्या ले सकते हैं, टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, ओके, वन माइनस कॉस एक्स टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके। अब टू को फंडामेंटली बाहर, तो टू इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये क्या हो गया बेटा, साइन साइन एक्स बाय टू अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। क्या हम इसको फंडामेंटली ऐसा अरेंज कर सकते हैं, जरा सोचो बेटा, देखिए ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो इसको हमने होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, और मैंने ये बताया था कि जहां फंक्शन वहां लिमिट, तो लिमिट को हम फंडामेंटली अंदर कर सकते हैं। अब आप देखिए इधर देखिए, एक्स जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है, तो एक्स बाई टू किसकी ओर अप्रोच करेगा बेटा, जीरो की ओर, एक्स टेंडिंग टू जीरो या एक्स बाई टू टेंडिंग टू जीरो, बात एक ही है, एक्स बाई टू तो नीचे भी क्या होना चाहिए, एक्स बाई टू, तो टू का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। बेटा मैं कर क्या रहा हूं, मैं फॉर्मूले में कन्वर्ट कर रहा हूं, देखिए एक्स बाई टू एक्स बाई टू एक्स बाई टू। अब आप मुझे बताइए ये पूरा क्या हो गया बेटा, ये पूरा क्या हो गया, वन वन का स्क्वायर, वन वन अपॉन टू का स्क्वायर, वन बाय फोर, वन बाय फोर इंटू टू, वन बाय फोर इंटू टू दैट इज वन बाय टू, आंसर। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो वन माइनस कॉस फाइव एक्स अपॉन नाइन एक्स स्क्वायर। मान लीजिए ये क्वेश्चन है बेटा, सुनो सबसे पहले तो आप टाइप चेक करा करो, जब भी लिमिट का क्वेश्चन देखो टाइप चेक करो, इमीडिएटली टाइप चेक करो, रखो जीरो, कॉस जीरो वन, वन माइनस वन जीरो अपॉन जीरो, बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं, जीरो बाय जीरो। अब आप मुझे बताइए एक्स टेंडिंग टू जीरो या फाइव एक्स टेंडिंग टू जीरो, बात एक ही है, जरा सोचो, यदि एक्स जीरो की ओर जा रहा है तो फाइव एक्स भी किसकी ओर जाएगा, जीरो की ओर। अब मुझे बताइए फाइव एक्स यहां, फाइव एक्स यहां, फाइव एक्स तो नीचे क्या हो रहा है, ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्वायर। अभी अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। बेटा ध्यान दें, एक्स 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 स्क्वायर, एक्स 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 स्क्वायर, यदि यहां एक्स है और यहां एक्स है तो नीचे क्या होना चाहिए, उसका स्क्वायर, तभी इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, वन बाय टू। ये वन बाय टू कब होगा बेटा, जब तीनों एक जैसे हो, तीनों में से एक दो एक जैसे हो और एक डिफरेंट हो, बट हो क्या हो, उसका स्क्वायर, एक्स 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 स्क्वायर, एक्स 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 स्क्वायर। अच्छा तीनों टेंडिंग टू क्या होना चाहिए, तीनों टेंडिंग टू जीरो, तभी इसकी वैल्यू क्या होगी, वन बाई टू। अब देखिए फाइव एक्स, फाइव एक्स तो नीचे क्या होना चाहिए, ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो वन बाय नाइन को फंडामेंटली, वन बाय नाइन को फंडामेंटली बाहर, और फाइव एक्स टेंडिंग टू जीरो, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस फाइव एक्स। अब आप मुझे बताइए ऑलरेडी क्या है, एक्स स्क्वायर, बस सिर्फ मुझे ट्वेंटी फाइव का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, बेटा ट्वेंटी फाइव का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे बताइए ये क्या हो गया, ये क्या है, वन बाय टू बाय फॉर्मूला, देखिए दिस फॉर्मूला, टेंडिंग टू जीरो पर वन माइनस कॉस अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है, वन बाय टू, तो ये भी क्या होगा बेटा, वन बाय टू, आंसर विल बी ट्वेंटी फाइव बाय ट्वेंटी फाइव बाय एटीन। ये है बेटा तीन फॉर्मूले मैंने बताया आपको, और तीनों में किस तरीके से आपको अरेंज करना है ये आपको सीखना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये तीनों कैसे होने चाहिए, टेंडिंग टू जीरो, देखो आप एक्स 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 स्क्वायर, यदि ऊपर एक्स है तो नीचे उसका स्क्वायर होना चाहिए, तभी इसकी वैल्यू क्या होगी, वन बाय टू। चलो कर...